इसलिए तीर्थों का प्रभाव जाता रहा है। देखो हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं हम तीर्थों में जाएंगे हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन आजकल कैसे कैसे नारकीय लोग तीर्थों में रहते हैं। हमारे तीर्थों की मर्यादा बचाने के लिए मैं हमेशा हमारी सरकारों से कहता हूं कि किसी भी तीर्थ में मदिरा नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तीर्थ में मांस नहीं मिलना चाहिए, किसी भी तीर्थ में अंडा नहीं मिलना चाहिए, अरे इनकी तो बात छोड़िए, किसी भी तीर्थ में प्याज लहसुन तक नहीं मिलना चाहिए, जिससे हमारे तीर्थ की मर्यादाएं बनी रहें। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, क्यों बड़े बड़े टैक्स हम जब लगाते हैं तो पब्लिक देती है ना, बड़े बड़े कार्य योजनाएं जब हम बनाते हैं तो पब्लिक उसको मानती है ना, तो हमको ये घोषणा कर देनी चाहिए सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को व्यसनों में मन है वो तीर्थों में न रहे, जितनी जगह आपकी वहां है उतनी जगह सरकार आपको अन्यत्र शहरों में दे देगी, लेकिन तीर्थों में वही लोग रहें जो इन व्यसनों से परे हों, जिससे तीर्थों की मर्यादा बनी रहे। पहले राजा महाराजा यही करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, तीर्थों की मर्यादा का ध्यान रखना प्रत्येक राजा की जिम्मेदारी है, और अगर तीर्थ सुरक्षित नहीं हुए तो सनातन धीरे धीरे सुरक्षित नहीं रहेगा, और ये आवाज उठनी चाहिए। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मान लोभ और तृष्णा से लपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है, यही वजह है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये दुख जरूर दूर होगा।